hi everyone assalamualaikum alaikum and welcome back to my channel i hope you guys are doing well so today's video is another family get together and uh, this time jo hai bahut because we're going somewhere very excited to go there matlab mujhe nahi it's kind of a surprise for all of the kids सो लेट सी वॉट दट इज़ एंड इफ़ यू न्यू टू माई चैनल पर वेट किस बात को कर रहे हैं जल्दी से जाइए लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट सब कुछ कर दीजिए क्योंकि देर आर मेरी मोर वीडियोज़ टू कम के एवरी वन जैसे मैं अंदर घुसीना बस लाइक ओ माई गॉड हम कहाँ गए इट्स इन एक्साइटेड होगी थी ना मैं आई मीन आप देख सकते हैं हम अंदर जाते हैं हम देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे और पीछे जो ग्राउंड में सूदिंग म्यूजिक एंड शाम में इतनी सारी ग्रीनरी एंड प्योटुल यू नो व्यूज़ थे बहुत अच्छा लग रहा था एंड वी uh, ये जो आपको टेंट काइंड kind ऑफ of लग रहे हैं ना वाइट इट इज़ बिकॉज वहाँ पे बारिश हो रही थी और ताकि कोई भीग ना जाए ये लगाया गया था एंड uh, अभी तक आप लोगों ने नाम देख के गेस्ट कर लिया होगा जी हाँ हम बिग के आए थे आप लोगों को लग रहा होगा इट्स मोर लाइक समथिंग यू नो पार्टी प्लेस बट नो फैमिलीज कैन गो देर इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस फ्रॉम माय यू नो ओपिनियन बहुत अच्छा था बहुत मज़ा आया हमें एंड uh, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है व्यू आई मीन इट लुक सो ब्यूटिफुल ब फुल लाइट होते हैं वहाँ पे एंड द वेदर ओ माय गॉड जब हम गए थे ना बहुत सारे थे और वहाँ नीचे किसी की बर्थडे पार्टी थी तो या वहाँ म्यूजिक भी था वो सारे डांस कर रहे थे एंड हमें पता नहीं था तो हम चले भी गए थे <laughs> फिर जब पता चला तो वापस हम आ गए और यहाँ देख सकते हैं कि हम फोटोज भी लें कोशिश कर रहे थे थोड़ी बट यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था बट नेवर माइंड सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे एंड यहाँ मैं जो है ब्रेसलेस देख रही थी और यहाँ प्रोजेक्टर पे यू नो क्रिकेट मैच वगैरह भी लगाई गई थी इट वाज आई एम टेलिंग यू नो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस और खाने की बारी आ गई ये था करारी रोटी एंड इट वाज काइंड ऑफ पानीपुरी टेस्ट यू नो बहुत अच्छा था फिर यहाँ रेड सॉस पास्ता भी आ गया एंड uh, ये पिज़्ज़ा मेरा बहुत फेवरेट वाला है बिकॉज थिन क्रस्ट मैंने ऐसा पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया था इट इज़ वेरी टेस्टी एंड नाचोज ओ माई गॉड वेरी नाइस फूड ओवरऑल वॉज टेन ऑन टेन मुझे बहुत अच्छा लगा सब ने फूड बहुत इंजॉय किया आई मीन यू शूड हैॉस पास्ता आई मीन इट हैज़ बीन थ्री टू फोर टाइम्स है बहुत पसंद आ गया फिर ये स्मेश पोटैटोज एंड चिकन वगैरह कुछ था बट ये वाला जो था ना मुझे इसका नाम नहीं पता बट दिस इज़ और लेजिट टेन ऑन टेन बहुत अच्छा था फिर ये नूडल्स जो कि सेविया की तरह लग रही थी जी हाँ ये भी अच्छी थी फिर छोटी कढ़ाई में हमें बिरयानी भी दी गई तो या इट वाज ऑल नाइस देन हम सब यू you नो know, बाहर गए तो म्यूजिक चल रहा था तो हमारा थोड़ा यू you नो know, पागलपन चलता ही है म्यूज़िक कुछ और है और हमारा डांस कुछ और है मतलब म्यूज़िक हिप हॉप चल रहा है और हम यहाँ पे <laughs> कुछ और ही कर रहे हैं सो बट मैं बता दूँ इतने पागल हो गए थे ना और मेरा हिजाब तो मेरे से ज़्यादा पागल हो गया था क्योंकि मैं कुछ भी करने जा रही हूँ ना सबसे पहले मेरा हिजाब सामने आ जाता है क्योंकि मैं कुछ न्यू ट्राई करने चाहती थी इसीलिए मैंने ऐसे जब नो you know, ट्राई किया बट आ, वो मेरा साथ नहीं दे रहा था यू you नो know, बार बार खुल रहा था तो डांस करने से ज़्यादा मैंने अपने हिजाब को यू नो फिक्स किया है सो इट वज ऑल यू नो वेरी नाइस आप देख सकते हैं बिल्कुल पागल हो गए थे हम लोग एंड हाइज माई आउटफिट गाइज टू कम एंड डाउन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था उस आउटफिट में आई फेल्थ सो कॉन्फिडेंट और अगर आपने मेरी न्यू लेटेस्ट शॉर्ट्स नहीं देखी है तो जल्दी जाइए वेट किस बात का कर रहे हैं भाई उसमें हमारा यू you नो know, रैम्प वर्क देखिए कज़ंस का बहुत अच्छा था एंड देन हम यहाँ पे यू नो गाए थे और कापी uh, राइट की वजह से मैंने इसको म्यूट कर दिया वरना मैं जरूर डालती बहुत अच्छा लग रहा था यू नो लाउड जैसे चीख मार रहे थे हम लोग फिर यहाँ पे थोड़े एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स हो रहे थे क्योंकि हर बार बोरिंग है टुगेदर इज नॉट माय टाइप गाइस तो हम सब यू you नो know, गिफ्ट दे रहे थे और ये खानदान की सबसे बेस्ट फ्रेंड्स काइंड ऑफ कजिन डुओ है और यहाँ पे यू you नो know, हम एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे थे एंड यू गाइज कैन सी दे सो सीरियस तो यहाँ पे देखिए हम लोग <laughs> मैं कुछ ना नेक्स्ट लेवल की हूँ और यहाँ देख सकते हैं बहुत पागलपन कर रहे थे सारे बट या इट वॉज़ अ वेरी फन डे डू ट्राई गोइंग देयर इट इज़ सो 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 गुड ठीक है और यहाँ आप देख सकते हैं छोटू मास्टर को ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे फिर जो है आई यू नो एक्चुअल गिफ्ट्स देने की बारी इट वाज सो गुड और आप देख सकते हैं हम सारे इतना मज़ाक कर रहे थे अभी भी देखिए मेरा हिजाब मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड है बार बार उड़ रहा था <laughs> तो मुझे फ्रेम से बाहर होना पड़ा एंड देन uh, और मैं क्या बताऊँ मतलब म्यूज़िक तो वैसे भी पूरा टाइम चल ही रहा था एंड अब यहाँ पे फाइनली गिफ्ट्स खोल भी दे रहे थे सब लोग तो आप देख सकते हैं हमने थोड़ा यू you नो know, सोचा कि क्यों ना वीडियो को थोड़ा लंबा किया जाए तो so, अनबॉक्सिंग कर ली सारों ने गिफ्ट की और आप देख सकते हैं हम सब ना फ्लैश लाइट डाल के खड़े थे बिकॉज़ यहाँ पे बहुत डिम लाइट्स थी लाइट्स ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल काम ही नहीं कर रही थी जो ऊपर के फ्लोर में जब हम थे ना उस फ्लोर में तो आप देख सकते जब हम डांस भी कर रहे थे तभी हमें फ़्लैश डालनी पड़ी बिकॉज लाइट्स में तो बिना लाइट के हमारी सूरत दिखेगी नहीं और ये इतने क्यूट थे ना बहुत अच्छे थे मतलब आप देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है ना इट इज़ सो गुड ऑब्वियसली मतलब थोड़ा बाहर आएँ तो सब कुछ अच्छा यून चाहिए एंड ये बारहवीं थीम था एंड ये कहाँ से लिया है वो जो है मिनी सो से है अगर आपको मिनी सो के बारे में भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए मैं ज़रूर लाऊंगी वीडियो एंड आप देख सकते हैं सब यू you नो know, इतना मजा करते थे एंड मैं अपना गिफ्ट दिखाती पर मेरे पास उतना टाइम नहीं था इसीलिए और रेस्ट ऑफ द वीडियो आप लोग इन्जॉय कीजिए क्योंकि आधा तो मैंने वॉइस ओवर में निकाल ही दिया है वीडियो तो बाकी कई लोग यू नो एक अच्छे से म्यूज़िक के साथ एंजॉय कीजिए क्योंकि हाफ ऑफ द वीडियो सच में मैंने बातों में ही निकाल दिया तो हाँ अभी ये बोल देती हूँ कि हम वहाँ से निकल गए थे एंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा था ना रात को इतनी ठंडी हवाएँ चल रही थी और, uh, किस किस को रेनी सीजन या मानसून बहुत पसंद है कमेंट में कीजिए और हाँ एंड ऑफ द डे इतना खाने के बाद जूस तो बनता ही है तो हमने ये ब्लूबेरी बोबा लिया फिर हमने मूवी देखी गेस uh, करिए कौन सी मूवी थी गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड स्टफ एंड आल्सो कौन सी मूवी हम देख रहे थे डू कमेंट इट इज अगर आपको पता है तो एंड